तो चलिए दोस्तों सुनते हैं लियो टॉलस्टॉय की लघु कहानी तकरार। राह से गुजरते दो मुसाफिरों को एक किताब पड़ी दिखाई दी। किताब देखते ही दोनों इस बात पर तकरार करने लगे कि किताब कौन लेगा। एन इसी वक्त एक और राहगीर वहां आ पहुंचा। उसने दोनों को इस हालत में देखकर कहा, भाई यह बताओ तुम दोनों में पढ़ना कौन जानता है। पढ़ना तो किसी को नहीं आता, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। फिर तुम इस किताब के लिए तकरार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई तो ठीक उन गंजों जैसी है जो कंघी हत्याने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं, जबकि कंघी फिराने के लिए उनके सिर पर बाल एक भी नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए कहानियां लेकर आऊं। चलिए सुनते हैं लियो टॉलस्टॉय की कहानी बोझ। कुछ फौजियों ने दुश्मन के इलाके पर हमला किया तो एक किसान भागा हुआ खेत में अपने घोड़े के पास गया और उससे पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर घोड़ा था कि उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। किसान ने उससे कहा, मूर्ख कहीं के, अगर तुम मेरे हाथ न आए तो दुश्मन के हाथ पड़ जाओगे, दुश्मन मेरा क्या करेगा। घोड़ा बोला, वह तुम पर बोझ लादेगा और क्या करेगा। तो क्या मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाता? घोड़े ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसका बोझ उठाता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।